सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम ITBHU। अब इस वीडियो में हम फारुख सियार फरमान के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बेसिकली ये जो फारुख सियार फरमान होता है वो इन ब्रिटिशर्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो इंडिया में बढ़ाने में सक्षम होते हैं। यानी ये जो होता है इनका फर्स्ट स्टेप होता है, आप एक तरह से कह सकते हो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। तो होता क्या है इसमें कि कुछ ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो एक मिशन लेके जाते हैं मुगल कोर्ट में फारुख सियार के पास कि उन्हें कुछ प्रिविलेजेस चाहिए। अब ये जो प्रिविलेज होता है वो हम इसे इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या क्या प्रिविलेज इन्हें मिलता है, प्राप्त होता है, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी कंटेंट मतलब फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड करते रहें आपके पास। तो बिना टाइम वेस्ट किए बस स्टार्ट करते हैं इसे। अब बेसिकली होता क्या है कि 1715 में जॉन सरमन नाम के एक ब्रिटिशर्स होते हैं, ये एक इंग्लिश मिशन को लेड करते हुए मुगल कोर्ट फारुख सियार के पास पहुँचते हैं, मतलब मुगल एम्पायर फारुख सियार के पास पहुँचते हैं। और इनका कुछ मतलब ये होता है, मांग होता है कि हमारी ये कुछ मांगे हैं वो हमें पूरा कीजिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सुलह करना चाहते हैं। अब होता क्या है, इसके पहले तो हमने देखा ही, इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि इन्हें किस तरह से मार के भगाया जाता है इधर उधर से। तो इनका एक पॉलिसी था, ब्रिटिशर्स जो भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक पॉलिसी था कि पहले तो आप उनसे लड़ाई करो या फिर वॉर करो, अगर आप वॉर में जीत जाते हो तो आपका जो भी हो आपका ही राज होगा, लेकिन आप अगर वॉर में हारते हो तो इनसे जाके किसी तरह सुलह कर लो। अब होता यही है, आते हैं मुगल एम्पायर फारुख सियार के पास। अब ये जो मुगल इम्पेरर होते हैं फारुख सियार, ये तीन फरमान जारी करते हैं, तीन फेमस फरमान जारी करते हैं, और ये जो फरमान होता है इन्हें बहुत सारे वैल्यूएबल प्रिविलेजेस बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में प्रोवाइड करता है इन ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड था उसे देखते हैं। तो बेसिकली 1715 में ये जाते हैं मुगल एम्पेरर फारुख सियार के पास, और मुगल एम्पेरर फारुख सियार तीन फेमस फरमान जारी करते हैं जिसमें इन्हें प्रिविलेजेस दिया जाता है कहाँ कहाँ, बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में। अब उन प्रिविलेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट, पहला प्रिविलेज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेज जो थे वो, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है, मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हुआ क्या था कि बंगाल में इन्हें 3,000 रुपये एनुअल पेमेंट पे, यानी मात्र इन्हें एनुअली 3,000 रुपये पे करना था मुगल एम्पायर को, और उसके बदले कोई भी एडिशनल ड्यूटीज़ इनसे चार्ज नहीं किए जाने जाने थे। तो ये जो था पहले वाला, इसे ही सेटल किया जाता है, मतलब ये जो अर्लियर सेटल किया गया था उसे लागू कर दिया जाता है कि वो चालू रहेगा, कि आपको 3,000 एनुअली हमें पे करना है 3,000 रुपये, और हम आपको बाकी किसी भी तरह के एडिशनल ड्यूटीज़ जो होते हैं उनसे हम आपको छूट दे देंगे, मतलब आपको छूट रहेगा, आप हमें सिर्फ 3,000 एनुअली पे करो, बाकी आप कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कुछ भी बिजनेस करो यहाँ पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला तो ये था। सेकंड, ये जो कंपनी थी उसे दस्तक इशू करने, यानी दस्तक एक तरह का पास था, ये दस्तक इशू करने की परमिशन दे दी गई। अब इनके पास राइट था कि ये दस्तक इशू कर सकते हैं। बेसिकली दस्तक होता है एक डॉक्यूमेंटेशन, आप समझ सकते हैं इसको, ये ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है कि अगर आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हो तो आप कहीं भी जाओ आपसे कोई टैक्स नहीं वसूल करेगा, अगर आप ये दस्तक यानी ये जो पास है वो दिखाते हो तो। बेसिकली ये पास पहले सिर्फ मुगल कोर्ट से ही इशू किया जाता था, बट ये अब इन्हें मतलब इनको राइट दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप भी दस्तक इशू कर सकते हो। तो ये कंपनी के यूज़ के लिए तो यूज़ करते ही थे, साथ ही साथ पर्सनल यूज़ के लिए भी इन दस्तक का यूज़ किया करते थे, और इनसे इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता था। तो ये अब इनको एक परमिशन दे दिया गया दस्तक इशू करने का, यानी आप यहाँ पे देख रहे हो जो गवर्नमेंट का काम है वो ये कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे इन्हें दस्तक इशू करने की परमिशन दे दी गई। थर्ड जो था वो था कि ये कलकत्ता के आसपास में ज़्यादा मतलब और भी लैंड को रेंट कर सकते हैं, ये इनका नेक्स्ट था, मतलब कलकत्ता के आसपास में कुछ भी अगर ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई लैंड रेंट करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं, इन्हें परमिशन की ज़रूरी नहीं है, बस जो भी इनका रेंट होगा वो लैंड रेंट मतलब कर सकते हैं एक तरह से। तो ये तो कुछ हो गए। नेक्स्ट, हैदराबाद में जो इनका प्रिविलेज था, जो हमने बात करी पहले कि 500 पगोड़ाज इन्हें प्रोवाइड करना था, पगोड़ाज वहाँ का करेंसी था, 500 पगोड़ाज इन्हें प्रोवाइड करना था, और उसके बदले में इन्हें
किसी भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया जाता था। मतलब इन्हें छूट छूट दे दी गई कि आप सिर्फ 500 पगोड़ाज हमें प्रोवाइड करो, बाकी हम आपसे कोई भी एडिशनल कस्टम ड्यूटीज चार्ज नहीं करेंगे। तो ये वही यहाँ पे रह गया, यहाँ पे भी वही लागू रह गया कि ठीक है आप वही मतलब 500 पगोड़ाज वाला ही सिस्टम सही है, आप 500 पगोड़ाज हमें प्रोवाइड करो, हम आपसे कोई भी मतलब हम आपके ट्रेड में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी आपको जो ट्रेड करना है वो करो। अब इनको रह गया कि ये सिर्फ मद्रास के लिए रेंट पे कर रहे थे, बाकी हैदराबाद के लिए यहाँ पे हमने देख लिया, फिर बंगाल के लिए देख लिया, तो इन दोनों जगहों के लिए तो मतलब इनका इनको कंसेशन मिल गया था। अब नेक्स्ट अगर सूरत की बात करें तो सूरत में क्या था कि सूरत में भी वही सीन था, इन्हें एनुअली 10,000 रुपये पे करने थे और बाकी कोई भी कस्टम ड्यूटीज़ इन्हें प्रोवाइड नहीं करना था। मतलब आप हमें एक बार में ही सालाना 10,000 रुपये प्रोवाइड करो, बाकी आप जो ट्रेड करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, जो भी करना है आप करो और उससे आप कमाओ, जो करना है आपको करो, आप कमाओ खाओ जो भी करना है, बट हमें ये एनुअली 10,000 रुपये चाहिए। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कुछ कंसेशन दिए गए, कुछ प्रिविलेज दिए गए। अब नेक्स्ट जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम देखें तो बॉम्बे में जो क्वाइन मिंट किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये थ्रू आउट द मुगल एम्पायर यही क्वाइन चलाने की परमिशन इन्हें दे दी गई कि आप जो बॉम्बे में क्वाइन मिंट करते हो, मतलब क्वाइन आप जो बनाते हो, करेंसी जो बनाते हो, वही हम अपने मुगल एम्पायर में उसका ही यूज करेंगे, उसे ही हम चलाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे क्वाइन मिंट करना या फिर क्वाइन इशू करना ये तो गवर्नमेंट का काम होता है, बट यहाँ पे अब इन्हें ये परमिशन दे दी गई, इन्हें राइट दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप क्वाइन मिंट करो। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं पॉलिटिकली मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ इनका मजबूत हो रहा है। अब पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये और बढ़ाना चाहेंगे धीरे धीरे करके, इन्हें कुछ ताकत मिल रही है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ब्रिटिशर्स, ये मजबूत तो हो रहे थे बट फिर भी इन्होंने मुगलों से पंगा लेने की नहीं सोची अभी तक। ये इसलिए था क्योंकि अभी भी इनके जो यूरोपियन कंपटीटर थे, लाइक फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच अभी भी इनके कंपटीटर में थे और फ्रेंच से इन्हें बहुत ज़्यादा खतरा था, कभी भी वो अटैक कर सकते थे, कभी भी वॉर हो सकता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि अभी हम मुगल से कुछ सुलह कर लेते हैं, बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा, अभी क्योंकि हमें फ्रेंच से भी निपटना है। तो इसलिए इन्होंने मुगल से केवल बातचीत करके, लाइक फ्लैटरी या फिर डिप्लोमेसी करके ही ये सब कंसेशंस लिए, ये सब प्रिविलेज जो थे वो प्राप्त किए, बट मुगल अथॉरिटी से या फिर मुगल से इन्होंने झगड़ा मोल नहीं लिया अभी तक। तो ये था फ्रेंच के कारण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनी, अगला टॉपिक जो है वो मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनी है। तो बेसिकली होता क्या है, इंग्लिश रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, यानी अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 1688 में एक रिवॉल्यूशन होता है। अब इस रिवॉल्यूशन में होता क्या है इसके बारे में हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बट थोड़ा सा हम इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ के किंग होते हैं वो किंग अब यहाँ के पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी पावर हो सिर्फ उन्हीं के पास पावर हो, इसलिए यहाँ के पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहते हैं। अब इसलिए जो डच होते हैं, हाँ जो डच होते हैं, डच से यहाँ पे ये मांगी जाती है, हेल्प मांगी जाती है, इनके जो कुछ करीबी लोग होते हैं वो डच के किंग से हेल्प मांगते हैं कि आप हेल्प करिए हमें इन्हें हटाने में। तो डच के किंग हेल्प करते हैं यहाँ पे और उस तरह से यहाँ पे फिर से पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाती है। तो ये छोटा सा हिस्ट्री है इसके बारे में, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इसके बारे में जाके देख सकते हो। तो अब होता क्या है कि विक्स नाम की एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी, ये जो विक्स पार्टी थी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था पार्लियामेंट में। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, ये इन्होंने जो मोनोपोली गेन किया था इंडिया में ट्रेड करने की, वो बोले कि इसके अपोजिशन में वो आ गए, वो बोले कि सिर्फ वही क्यों वहाँ पे जाके ट्रेड करे, और भी कोई कंपनी जाए यहाँ से, वही क्यों मोनोपोली गेन करे, उनको ही सारा सुविधा क्यों दिया जाए। तो ये इन्होंने अपोज किया इस मोनोपोली के लिए, विक्स पार्टी जो थी। अब इसके बिहाफ में एक नई कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी को औरंगजेब के पास, मतलब वो जो कंपनी होती है वो सर विलियम नॉरिस को डिप्यूट किया जाता है एज ए एम्बेसडर, और वो औरंगजेब के पास जाते हैं ताकि उन्हें भी कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिल सके उस कंपनी को भी, लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कुछ प्रिविलेज मिला ही था, तो सिमिलरली वो चाहते हैं कि ये जो नई कंपनी हमने फॉर्म करी उसे भी कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले औरंगजेब से। तो औरंगजेब के कोर्ट में एज ए एम्बेसडर भेजा जाता है सर विलियम नॉरिस को उस कंपनी के बिहाफ में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंपनी होती है वो फेल कर जाती है, ये एक अटर फेल्योर होता है। अब ये अटर फेल्योर होता है, उसके बाद होता क्या है कि किंग के मतलब किंग से भी इन पे थोड़ा ये दबाव बनाया गया कि
फिर ये कंपनी भी फेल कर गई थी। इसलिए क्या किया जाता है कि उस कंपनी को मर्ज कर दिया जाता है, ये जो पहले वाली कंपनी थी इन दोनों कंपनी को मर्ज करके एक नया कंपनी बनाया जाता है। यानी 1708 में इन दोनों कंपनी को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई जाती है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ये उन दोनों कंपनी के यूनाइटेड फॉर्म का नाम होता है। अमलगामेटेड का मतलब होता है मर्ज कर देना या फिर मिला देना, तो इन दोनों को मिला के ये कंपनी बनाई जाती है। और यही कंपनी जो होती है वो बाद में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस होती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने का ये थोड़ा प्रोसेस था, तो इसके बारे में भी हमने देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बाकी दोस्तों में भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।